अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉम सिमी टाउन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम फिश फ्राई की एक नई तरीके की रेसिपी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक किलो तक की सुरमई फिश ले ली थी और जिसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और इसे डीपली कट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं पूरी फिश मैंने अच्छी ली है। साथ में ही मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाला है और साथ में ही मैंने हरी मिर्च और हरी धनिया का पेस्ट डाला है। तो इसलिए मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें कम किया है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने मसाला पूरे जो कट्स है उसमें अच्छी तरीके से स्टफ़ कर लेना है और पूरी अच्छी तरीके से मैरिनेशन कर लेना है। अब यहाँ पर मेरी फिश की साइज़ बहुत बड़ी थी तो मैंने एक बड़ी फ्लैट कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के बाद में इस फिश को डाल दिया है। बहुत ही इत्मीनान से आपको इसका काम करना है क्योंकि फ़िश बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी पक जाती है और जो मैरिनेशन रहता है थोड़ा बहुत बच जाए तो उसे आपने ऊपर से कोट कर देना है। अब यहाँ पे आप देख चुके हैं कि जब मैंने फ़िश को पलटा तो फ़िश की थोड़ी बहुत स्किन इसकी निकल जाती है। तो आपने और जो बचा हुआ मैरिनेशन है उसके ऊपर लगाना है और हल्का हल्का ऑयल डालकर इसे फ्राई करना है। इस फिश को मैं बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना हम क्रिस्पी नहीं करूँगी। ये फिश जो है जिसमें मैंने ग्रीन मसाला लगाया है तो थोड़ा सा है ना सॉफ्ट तरीके से ही इसे मैं फ्राई करूँगी जिससे इसकी लज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप कौन सी कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। आपकी दुआओं की और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे पलटने के लिए एक आपके पास अगर फ्लैट चम्मच है वो लीजिए और इसे इजीली पलटिए। तो देखिए हमारी फ़िश फ्राई बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी और लजीज बनके तैयार हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।